आज महात्मा गांधी की इस पुण्य भूमि पे मुझे ये लग रहा था कि कहां महात्मा गांधी धर्म पे चलने वाले, सत्य को लेके दांडी मार्च करने वाले, और कहां इस देश में नरेंद्र भाई मोदी, मुझे दुख होता है कहते हुए कि सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री आज तक के इस देश के। दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 364 संकल्प किए थे नरेंद्र भाई ने 2014 में, और उन संकल्पों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। जनता को भटकाने की बातें हो रही हैं, फौज के कंधों से सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, और बेरोजगारी से भटकाया जा रहा है। 15-15 लाख ब्लैक मनी जो लानी थी विदेशों से, वो आज भी वही है, उससे भटकाया जा रहा है। गंगा साफ करनी थी, वन रैंक वन पेंशन वो करना था, स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसानों की इनकम दुगनी। ये इलेक्शन उन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, ना के लोगों को भ्रमित करके भटका के चौकीदार बन के इलेक्शन लड़ना चाहिए। चौकीदार कोई भी देख लो, चौकीदार अमीरों की बिल्डिंगों के बाहर खड़े होते हैं, किसी गरीब की कुटिया के बाहर, किसी मजदूर के मकान के बाहर, छोटे से छप्पड़ के बाहर, और किसी गरीब की कुटिया के बाहर कभी कोई चौकीदार खड़ा नहीं पाओगे, कभी कोई चौकीदार खड़ा नहीं पाओगे। मोदी जी, तुम सिर्फ 1% पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हो। यदि किसान के होते तो उनका कर्जा माफ ना करते, 17 लाख करोड़ रुपए के NPA हैं। नीरव मोदी, ये सब लोग भगौड़े जो हैं, ये किसके सहयोग से भागे? बात करते हो करोड़ों की, दुकान चलाते हो पकौड़ों की, और संगत है भगौड़ों की। चीन समंदर के नीचे रेल बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और तुम चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर। राफेल उड़ाना था जहाज जंग में, तुमने उड़ा दी फाइल, फुर्र फाइल उड़ गई। ये तुम्हारी चौकीदारी है? याद रखना, जो कहते थे 2014 में आए हैं गंगा के लाल बन के, वो जाएंगे राफेल के दलाल बन के। 30,000 करोड़ की चोरी है मेरे दोस्त। ये 364 वादे, क्या लोगों ने सरकार भाजपा की आधार कार्ड को मोबाइल के ऊपर लिंक करने के लिए बनाई थी? ना राम मिला, ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता एक बेरोजगार मिला। ये पेट में कुछ है नहीं, पेट में कुछ है नहीं, और आप देखो योगा कराया जा रहा है। पैसे है नहीं, जेब में पैसे है नहीं, और खाता खुलवाया जा रहा है। पेट में खाना नहीं, और शौचालय बनाया जा रहा है। गांव में बिजली नहीं, और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। मन में धर्म और बांटने की गंदगी है, और स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है। क्या ये भारतवर्ष था जिसका सपना लेके वोट डाले थे मोदी साहब को? मैं आज आपको चुनौती देके कह रहा हूं कि आज किसान की पगड़ी का सवाल है, गरीब की रोटी का सवाल है, आज बेरोजगारी का सवाल है। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जितने भी गरीब लोग यहां बैठे हैं, ये आस और उम्मीद से हैं। और जो 72,000 रुपए हर गरीब को, क्यों अपील की थी? मैंने ये अपील की थी कि ये जो राजनीति है बांटने की, ये मुस्लिम वोट को बांट के फिर इलेक्शन जीतने की जो ये राजनीति है, इसका खंडन किया था मैंने। मैंने उनको कहा था इकट्ठे रहना और एक तरफ हिंदुस्तान को वोट डालना, हिंदुस्तान के हकों को वोट डालना, गरीब की रोटी के लिए वोट डालना, किसान की पगड़ी के लिए वोट डालना। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल। ओए मुझे ये बताओ, सरकारी कंपनियां मार के ये 4% या 1% पूंजीपतियों को क्यों दी जा रही है? भेल 7,400 करोड़ रुपए के फायदे में थी, ये 2014 के आंकड़े हैं, आज 900 करोड़ के घाटे में, और जियो दन दनादन 900 करोड़ के फायदे में है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2,092 करोड़ के फायदे में थी, आज 4,000 करोड़ के घाटे में है। कोल इंडिया घाटे में है, RIN घाटे में, इस्पात बोर्ड घाटे में है। कैसे घाटे में चली गई? इससे बड़ा देशद्रोह हो सकता है कि आप सरकारी कंपनियों को मार के आप प्राइवेट कंपनियों को फायदा दे रहे हो? और ये कैसे हो गया कि जो NPA UPA की सरकार में
मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2 लाख करोड़ के थे, वो एनपी आज 17 लाख करोड़ रुपए के हो गए, और वो भी सारे सरकारी बैंकों के, कोई प्राइवेट बैंक का क्यों नहीं? आपने कहा बॉर्डर पे तनाव है, सुना है चुनाव में, इस संदर्भ में कहा? ये सबको पता है, ये जो पब्लिक है दोस्त सब जानती है, ये राजेश खन्ना जी कह गए, समझे ना, राजेश खन्ना जी कह गए, ये पब्लिक को सब पता, बात खत्म। इमरान खान को क्या कहोगे? सिद्धू जी, हाँ जी, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया अभी।